Dear students, this is the third video for the lesson Praying Mantis from class 6. In this video, we are going to complete the question and answers and the problems related with the vocabulary and some of the filling the blanks also. So without any delay, let's start it. First, the praying mantis is said to be friendless. Praying mantis को friendless कहा जाता है क्योंकि it prays its mate या अपने partner को, अपने mate को, M-A-T-E, mate, या अपने partner को या फिर mate को मारकर खा जाता है, इसलिए ये friendless है. Second, praying mantis pretends to be, वो कैसा करता हुआ दिखाई पड़ता है. I have already done it for you. Praying, P R A Y I N G, praying. Praying mantis pretends to be praying, यानी वो प्रार्थना करता हुआ दिखाई पड़ता है. क्यों क्यों प्रार्थना करता हुआ ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि बिकॉज इट सीम्स टू बी प्रेइंग, बिकॉज ए बिकॉज इट सीम्स टू बी प्रेइंग, ज्वाइनिंग देयर फ्रंट लेग्स इज लाइक हैंड्स, या अपने आगे के दो पांवों को अपने हाथों की तरह, हमारे हाथों की तरह या अपने हाथों की तरह, ये दोनों ये जोड़ करके रखता है जिससे ये ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रार्थना कर रहा है. प्रेइंग मेंटिस के बारे में गार्डनर क्या कहते हैं? गार्डनर इसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, पी आर ए आई एस ई, प्रेज. अब वो भी क्यों करते हैं? बिकॉज इट किल्स द हार्मफुल इंसेक्ट्स, क्योंकि ये प्रेइंग मेंटिस जो है यह जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट हैं, हानिकारक कीड़े हैं, उन्हें मार करके खा जाता है. प्रेइंग मेंटिस प्रेज ऑन, प्रेइंग मेंटिस किस किस का शिकार करता है? गार्टर स्नेक का, मॉथ का, फ्लीज का, वास्प का, एटसेट्रा, ये इनका शिकार करता है क्योंकि ये जनरली, एज दे आर जनरली, आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर यू, फाउंड इन द गार्डन, क्योंकि ये प्राय गार्डन में पाए जाते हैं. Fill in the blanks with the appropriate form of the verbs given in the bracket. Blank. अब ब्रैकेट में कुछ वर्ब दिए गए हैं, आप उनको सेंटेंस के अनुसार उनके करेक्ट फॉर्म को लिखना है. The sun rises, R-I-S-E-S, rises in the east. सूरज पूरब में उगता है. The second is, the teacher teaches in the class, शिक्षक वर्ग में पढ़ाते हैं. Children play, यहाँ play क्यों हुआ? क्योंकि children जो है third person plural number हुआ और third person plural number के साथ verb के पहले रूप का प्रयोग, V1 का प्रयोग होता है. उसके बाद children play, मैंने बता ही दिया. द चीता रन्स वेरी फास्ट, चीता के साथ फिर यह रन्स क्यों लगा? क्योंकि चीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग, V5 का प्रयोग करते हैं. V4 में ing का प्रयोग होता है और V5 में s या es लगाते हैं. सो द चीता रन्स वेरी फास्ट. उसके बाद है द ग्रोसर, ग्रोसर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये यहाँ पर ब्रैकेट में सेल दिया गया है, इस वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने की वजह से यहाँ पर V5 का प्रयोग किया गया है, बार 5 का. इसका मतलब द ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल, ग्रोसर क्या बेचता है? तो वो सब्जी बेचता है. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन. Here,
as you can see, some of the words has been given, and there are the pair of words, son, S-O-N, son, S-U-N, son, and both have different meaning, quiet, quiet, night, night, band, band, right, right. So these are some of the pair of the words, and you have to figure out the meaning. I have already done it for you. आपको इसका अर्थ लिखना है क्योंकि ये pair of words हैं. अब देखिए S-O-N, son. Son का मतलब, son को आप क्या लिख सकते हैं? Offspring लिख सकते हैं, native लिख सकते हैं. और S-U-N, son, son को आप, son का फिर synonyms क्या हो जाएगा? उसको आप क्या लिख सकते हैं? तो bask लिख सकते हैं, B-A-S-K, bask. या फिर daylight, D-A-Y-L-I-G-H-T, daylight. उसके बाद है quiet, Q-U-I-E-T, quiet का मतलब होता है शांत, calm, silence. और फिर Q-U-I-T यदि अगर हम लिख दें, इस quiet का अर्थ होता है completely या फिर wholly, पूर्ण रूप से. उसके बाद चलते हैं stationary, S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y. यदि N A R Y स्टेशनरी में लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होगा फिक्स या फिर इनर्ट, यानी जो अपनी जगह पर स्थिर है या फिर जो घूम फिर नहीं रहा है यानी इमोवेबल है, उसे हम लोग स्टेशनरी कहेंगे या फिर स्थिर कहेंगे. लेकिन यदि स्टेशनरी में N A R Y के जगह अगर N E R Y लग जाए, इस स्टेशनरी का अर्थ हो जाएगा नोट पेपर या फिर इनवेलप हो जाएगा. अगला वर्ड है नाइट, के एन आई जी एस टी, नाइट. नाइट का अर्थ होता है चैंपियन, चैंपियन मतलब विजेता, या फिर आप राइडर भी कह सकते हैं. और इसी नाइट का प्रयोग हम लोग चेस में भी करते हैं. एन आई जी एस टी, नाइट. नाइट को आप डार्क लिख सकते हैं, ग्लूम लिख सकते हैं, इवनिंग भी इसे कहा जा सकता है. उसके बाद है लीड, एल ई ए डी, लीड. लीड का अर्थ होता है कमांड, आदेश करना, प्रायोरिटी, विशेष ग्राह्यता देना. लेकिन अगर एल ई डी लग जाए, लेड, लेड का मतलब होता है कंडक्ट करना या फिर कंट्रीब्यूट करना. अगला वर्ड है बैंड, बी ए डबल एन ई डी, बैंड. बैंड का अर्थ होता है निषेध, निषेधित करना, बार्ड या फिर रेस्ट्रिक्ट. और यदि बी ए एन डी लग जाए, बैंड, बैंड का अर्थ होता है गैंग यानी समूह या फिर कंपनी. इसका भी अर्थ समूह में ही किया जाता है. रोड, आर ओ ए डी, रोड. रोड को आप कोर्स कहेंगे, रूट कहेंगे, आप पाथ भी कह सकते हैं, यानी इस रोड का अर्थ होता है सड़क, रास्ता. लेकिन अगर आर ओ डी रोड लग जाए तो उसका अर्थ होता है ड्राइव, फ्लॉट या फिर ट्रैवल. रोड का अर्थ यात्रा करना भी या फिर चढ़ना होता है. अब आर आई जी एस टी, राइट. राइट का अर्थ क्या होता है? आर आई जी एस टी, राइट मतलब करेक्ट, सही, दाहिने, फेयर, फिट, ये सब राइट के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं. और डब्ल्यू आर आई टी का प्रयोग किया जाए तो उसका राइट का अर्थ होता है कंपोज यानी लिखना, स्क्रैम, उघेरना. यदि आप किसी पत्थर से दीवार पर लिखते हैं तो उसे आप स्क्रैम कह सकते हैं. उसके बाद है नॉट, के एन ओ टी, नॉट. नॉट का अर्थ होता है गांठ लगाना, बांधना, यानी इसे अंग्रेजी में बाइंड कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे, क्लस्टर भी आप कह सकते हैं, यानी समूह भी कहा जा सकता है. लेकिन अगला शब्द है नॉट, एन ओ टी, नॉट. इसका मतलब क्या होता है? ने, नहीं, नेवर, कभी नहीं, या फिर नो मीन्स ऑफ, किसी भी हाल में नहीं. यानी नॉट का प्रयोग आप निगेटिविटी के लिए प्रयोग करते हैं. उसके बाद है कॉट, सी ओ टी, कॉट. कॉट का अर्थ होता है बेड, बिछावन, बर्थ, बंग, ये सब जो है कॉट के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं. और काउट यदि लगा दिया जाए तो काउट का मतलब होता है अरेस्टेड या फिर सीज्ड, उसे सीज कर देना या फिर गिरफ्तार करना. काउट का मतलब गिरफ्तार करना, पकड़ लेना.
लास्ट शब्द है एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सक्लूड या फिर असाइड फ्रॉम, छोड़ करके। और यदि ए डबल सी ई पी टी, ये भी एक्सेप्ट ही इसे पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ होता है एडमिट, यानी मानना, एडमिट करना, महसूस करना, अपनी गलती को मानना, ये आपका एक्सेप्ट कहलाता है। उसके बाद टॉलरेट, ये इसका अर्थ भी सहन करना, वेलकम, स्वागत करना, ये सारे शब्द एक्सेप्ट के सिनोनियम्स हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। द नेक्स्ट सेगमेंट इज हेयर सम ऑफ द वर्ड्स, सम गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हेयर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम पोएम हैज बीन गिवेन एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द अपोजिट ऑप्शन गिवेन। एंड सम ऑफ द ऑप्शन हैज बीन गिवेन, the words has been given from the poem and you have to tick upon the right answer. Praying mantis, praying mantis hai kya, a group of people, an animal, a bird, a garden insect. So the right answer will be a garden insect. Yani praying mantis kya hai, to ek garden yani bagiche mein rehne wala ek keeda hai. उसके बाद फिर नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। प्रेइंग, पी आर ई वाई एन जी, प्रेइंग मतलब क्या होता है, एन एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, हंटिंग एंड अदर क्रिएशन, एक जानवर, चिड़िया या फिर कीड़ा जो कि दूसरे प्राणी का शिकार करता है तो उसे प्रेइंग कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी द टू नंबर, एन एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, हंटिंग एंड अदर क्रिएशन। Let's move to the another question. Garter snake. I have already told you about it. Garter snake is non-venomous. Venomous. इसका मतलब यह non-poisonous होता है. इसका मतलब ये एक harmless garden snake है. The question number D is seldom. Seldom means seldom का अर्थ होता है rarely. यानी कभी कभार. आपने वो फ्रेज जरूर सुना होगा, प्रोवर्ब जरूर सुना होगा, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी भूखने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। हिंदी में लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। द लास्ट कमेंडेड, द मीनिंग फॉर कमेंडेड विल बी ऑप्शन नंबर थ्री, टू प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, कमेंड का अर्थ भी यही होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम द लेसन प्रेइंग मेंटिस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एडॉल्फ। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।